नमस्कार, मैं हूं और आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर, 24/7 खबर आप तक। चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के मस्जिद में मिले कई विदेशी नागरिक, मस्जिद को किया गया लॉक, पुलिस प्रशासन की मदद से सभी को एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया जहां होगी जांच। बहराइच नगर की ताज मस्जिद में स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग की संयुक्त छापेमारी में विदेशी मूल नागरिकों के मिलने से कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। आज की छापेमारी में 7 इंडोनेशिया, 1 थाईलैंड के मूल निवासी को किया गया गिरफ्तार, जो मस्जिद में बिना प्रशासनिक सूचना के रुके हुए थे। पुलिस बल ने इन सबको स्वास्थ्य विभाग के एम्बुलेंस द्वारा चिकित्सालय ले जाया गया तथा मस्जिद को सील कर दिया गया। सभी विदेशी नागरिकों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट तशरीफ अहमद मटेरा। सर, इनका निजामुद्दीन की जो दरगाह है वहाँ से इनका क्या संबंध है दिल्ली की दरगाह से? ये दो ग्रुप बहराइच में आया हुआ था, एक ग्रुप कुरैश मस्जिद में रुका हुआ है जिसमें 10 जो व्यक्ति हैं वो मूलतः इंडोनेशिया के रहने वाले हैं तथा 2 व्यक्ति भारतीय मूल के। उसमें ये लोग 5 फरवरी को भारत आए थे और 21 फरवरी से यहाँ पर हैं। इन्हें उसी मस्जिद में आवास कर रहे हैं। इनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है, अभी तक इन्हें कोई लक्षण नहीं है और ये अपने मूल वीज़ा और पासपोर्ट पर आए हुए हैं, जिसका बाकायदे आवेदन है। इसके अलावा ताज मस्जिद में दूसरा ग्रुप रुका हुआ है जिसमें से कुल 9 व्यक्ति हैं, 7 थाईलैंड मूल के हैं तथा 2 भारतीय मूल के हैं। ये लोग 3-3 को भारत में आए थे और 7-3 यहाँ रुके हुए हैं, 7-3 से लगातार। पहला ग्रुप 24 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं, ये सारे लोग समाज से जुड़े हुए हैं, आपको नहीं लगता कि एक बड़ा लंबा फासला इस समय लाइफ में रहने का है? और आने जाने की भी, और 14-15 जमात का कार्यक्रम हुआ था दिल्ली में। नहीं, ये चूंकि देखिए एक ग्रुप 7-3 से हमारे यहाँ रुका हुआ है और दूसरा ग्रुप 21-2 से रुका हुआ है, फरवरी से रुका हुआ है। जो मस्जिद वहाँ निजामुद्दीन में जो घटना हुई वो 14-15 तारीख हुई है, अभी तक ये पहले से ही यही बहराइच में रह रहे हैं तो इनके वहाँ के कनेक्शन की कोई संभावना नहीं है। कोई सर सिम्टम्स अगर नहीं, ये स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया है डॉक्टरों द्वारा, अभी तक कोई इसमें विपरीत तथ्य कोरोना से संबंधित नहीं पाए। जमात के कार्यक्रम के बाद चूँकि बहुत बड़ी संख्या वहाँ रही है बहराइच बूढ़ी, ये बताया गया है बहराइच की काफ़ी लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है बहराइच में, कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है? हम लोग लगातार नजर रखे हुए हैं, अभी चूँकि लॉकडाउन है कोई ट्रांसपोर्टेशन जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि उसमें जमात कब याद नहीं आए और हमें पता ना चले, क्योंकि बॉर्डर भी हम लोगों ने सील कर रखा है, इतना एक एक व्यक्ति पर नज़र है। जैसे ही कोई आदमी हमारे बॉर्डर में आता है और दिल्ली से उस जमात में भाग लिया हुआ आता है, हम उसके बारे में पूरी तहकीकात करते हैं। रसिया क्षेत्र में भी 2 लोगों को संदिग्ध मार करके उनको क्वारंटाइन करने की बात की जा रही है, कफील और जावेद नाम के 2 व्यक्ति हैं, क्या इनका कोई संबंध जमात से? देखिए, इसके अभी कोई पुष्टिकारक साक्ष्य हमारे पास नहीं है और न ही स्वास्थ्य के बारे में कोई कोरोना से संक्रमित व्यक्ति, अगर कोई आता है इस तरह की बात आती है प्रकाश में।